साथियों, चार पांच साल पहले टीवी पर एक कार्यक्रम में जब कोलकाता में बंगाल की बेटियां ममता दीदी से कुछ सवाल पूछ बैठी और दीदी ऐसे भड़क गई, वो टीवी पे वायरल हुआ था, सोशल मीडिया में अभी भी चल रहा है। ये उनका अहंकार आज नहीं, तीन चार साल पहले भी भड़क गया था। उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया था उस टीवी इंटरव्यू में कि ममता दीदी माइक पटककर उन कॉलेज की दो बेटियों को अनाप शनाप गालियां देकर के वो वहां से भाग गई थी। अब फिर दीदी ने बंगाल की एक और बेटी के साथ ऐसा ही गुस्सा दिखाया, गुस्सा भी ऐसा, उस बेटी को ही ममता दीदी ने जेल में डाल दिया। दीदी, अपने अहंकार में आप क्या क्या कर रही है? जिसने भगवान का नाम लिया उसको भी जेल में डाल दिया, यहां भाजपा नेताओं को रैली नहीं करने दी जा रही, वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, उम्मीदवारों पर हमले किए जा रहे, यहां तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पर पौत्र को भी आपके गुंडों ने नहीं छोड़ा। दीदी, आप बंगाल को किस युग में ले जाने पर तुली हुई है? मुझे याद आ रहा है कि ऐसा ही कुछ इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ था तब हुआ था, लोगों को वोट करने से ऐसे ही रोका गया था। ममता दीदी, आप बंगाल को इमरजेंसी के उस दौर में ले आई हो, और दीदी मेरे शब्द लिख करके रखिए, ये आपका दमन बीजेपी के कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारी लड़ाई बंगाल की जनता के खिलाफ तुमने छेड़ी है। और बंगाल की जनता चुपचाप कमल छाप दबल करके तुम्हें सीख देने वाली है। लेकिन मत भूलिए, ये 21वीं सदी का भारत है, अगर पश्चिम बंगाल की जनता आपको सातवें आसमान पर बिठा सकती है तो यही जनता आपको वापस जमीन पर ला भी सकती है। ये लोकतंत्र है, याद रखिएगा दीदी, ये मेरे शब्द याद रखिएगा, जिन बेटियों को आप जेल में डालने का काम कर रही है वही बेटियां अब आपको सजा देने वाली है, आपको सबक सिखाने वाली है।